हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ड्रोन मैं उड़ा रहा हूँ, इसको मैंने असेंबल कैसे किया है या बनाया कैसे है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इस ड्रोन को असेंबल किया है और इसके क्या 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 खासियत है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊँगा कि इसका रिमोट का असेंबली कैसे करना है। तो चलिए, फ़िलहाल इसके जो असेंबली को है वो देखते हैं कि कैसे मैंने इसे असेंबल किया है और क्या क्या इसमें ख़ास बात है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से उड़ता है और फ्लिप भी करता है। इसका जायरो बहुत अच्छा है, जिस कारण से ये काम कर रहा है अच्छा से। ये देखिए, इसका ये बॉक्स है और ये देखिए DIY ड्रोन लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसे आप खुद से जोड़ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये जो देखिए, इसमें दो मॉडल आता है वो लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए 2.4 GHz का इसमें सिग्नल जाता है। इसमें क्या क्या दिया हुआ सब कुछ लिखा हुआ, 6 axis का जायरो है, 2.5 GHz 6 axis जायरो लिखा हुआ है इसमें। तो इसको इसमें देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। इसमें इस तरह का कुछ कुछ छोटा छोटा ये पार्ट्स है, जैसे कि रिमोट का कंट्रोलर और बैटरी किट, ब्लेड्स, मोटर, ये सब दिए हुए हैं इसमें। और ये इस तरह का एक पज़ल जैसा कटा हुआ है। देखिए, मैंने रिमोट जो पहले से ही असेंबल कर लिया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इसको असेंबल किया था मैंने। तो ये देखिए, इस तरह का ये आता है, कार्डबोर्ड शीट में कटा हुआ आता है, लेज़र कटिंग किया हुआ है इसके, एक पज़ल की तरह आता है। इसे आप खोलेंगे और एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है इसमें, एक पेज है पेपर में लिखा हुआ सब कुछ कि कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से लिखा हुआ है और सब कुछ अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंग्लिश और चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो आपको समझना होगा इंग्लिश में ही। तो उससे अच्छा है कि मेरा वीडियो ही पूरा देख ले आप लोग, तो ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोगों को परेशानी कम होगी। देखिए, जितना भी पज़ल है उसको मैंने खोल दिया है और देखिए, इसको जिस तरह से उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस तरह से ही इसको लगाना है, नहीं तो फिर ये लगेगा ही नहीं। देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें जो उठा हुआ भाग है वो इसमें जाएगा अंदर। एक इसमें ऐसा बना देना है जिससे कि वो ड्रोन जैसा दिखने लगे, तो वो आप इसको देख के खुद से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको अच्छा रहेगा कि वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको देखिए बराबर बैठाइए, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा ठीक से, क्योंकि सब कुछ बराबर रहेगा तभी ये ठीक से बैठता है। देखिए, इसमें ये नीचे में लगाने वाला है, ठीक है, इसको ऐसे लगा देना है। इसके ऊपर ही सब कुछ माउंट होगा, इसीलिए इसको ऐसे लगाना है ठीक से, और ये बीच में घुसता नहीं चारों तरफ लगाने के बाद, इसीलिए इसको पहले ही लगाना था। इसके बाद देखिए, साइड वाला जो एंगल है उसको लगाना है। और देखिए, इसको लगाने का सही तरीका है, ठीक से लगाएंगे नहीं तो फिर टूट सकता है, इसलिए धीरे धीरे लगाएं, हड़बड़ाएं नहीं। ये मैंने वीडियो फास्ट में किया हुआ है इसलिए आपको लग रहा है कि हड़बड़ी करके बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही 10-15 मिनट हम लोगों को लगा था इसको बनाने में, तो हम लोग इसको फास्ट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको फिर से इस तरह से असेंबल करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इसमें गोल गोल जो लॉक है उसको लगाना है नीचे से। ये स्टैंड है एक्चुअली में, इसके ऊपर एक टेप भी दिया हुआ है, वो भी लगाने का रहता है थर्माकोल का, जिससे वो लैंड स्मूथ हो। तो देखिए, ये इसका बेस है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए, ये मोटर्स जो है उसको लगाने का एक तरीका है, इसको डायगोनली लगाना पड़ता है। अलग अलग कलर दिया हुआ है इसमें, देखिए एक रेड ब्लू था, एक ब्लैक वाइट है, तो इसको डायगोनली लगाना है। एक इधर लगाएंगे अगर रेड वाला, तो एक उधर लगाना पड़ेगा उसके सीधा में, अगल बगल में नहीं लगाना है। देखिए, रेड वाला लगाओ, रेड ब्लू वाला, तो उसके बगल में वाइट लगा और ब्लैक वाला, उसके बगल में फिर लगेगा रेड और ब्लू वाला, उसके बाद आएगा फिर वाइट और ब्लैक वाला मोटर। ये देखिए, इस तरह से इसको लगाना इसलिए इस तरह से ज़रूरी है, सब तो सेम दिशा में घूमता है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका कंट्रोल सही से हो, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग उस तरह से की हुई है। इसके ऊपर का लॉक लगा देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, मोटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लॉक है, अच्छे से लगा लेंगे। और एक कोई इंस्ट्रक्शन है कि बार बार इसे खोले लगाएं ना, एक बार लगा लें उसके बाद यूज़ करते रहें, क्योंकि लूज़ हो जाने के बाद ये निकल जाएगा नहीं तो। ये देखिए, इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसके ऊपर देखिए, ये जो है यहाँ पर नीचे साइड में बैटरी का माउंट है, बैटरी को फंसाने के लिए इस तरह का एक माउंट है, वो लगाना होगा। पज़ल सॉल्व, देखिए पज़ल भी करने में मज़ा आएगा आपको और एक ड्रोन भी बन जाएगा, कितना अच्छा बात है।
ये देखिए ये बैटरी है, उसको सेट करना है। ये बैटरी का चार्जर जो है थोड़ा डिफरेंट तरीका का आता है, उसमें बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए बैटरी को सेट करना है नीचे साइड से, सब कुछ पजल है, बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में जिस तरह से। ये देखिए घुसा दिए इसको, और उसके बाद इसका एक लॉक है वो दूसरे तरफ से लगेगा, गोल गोल लॉक है। तो इसको देखिए, ये जो छोटे छोटे लॉक्स है दिख रहा होगा आपको, उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह से लगाना है। तो ये छोटे छोटे लॉक्स को लगा के उसको टाइट कर देना अच्छे से, जिससे कि ये गिरे ना, बैटरी गिरे ना, तो टाइट कर देना है। अगर टाइट नहीं करेंगे तो फिर वो लूज़ लूज़ रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर गिर जाएगा। तो लगाना ही चाहिए अच्छे से, और कोई भी चीज़ को लगाने में इसमें ज़बरदस्ती ना करें कि वहाँ घुसे, धीरे से हल्का सा उसको आराम से घुसाएं, या फिर हो सकता है कि वो उस जगह में लगे ही ना, इसलिए देख कर ही लगाएं कि कैसे लगाना है। तो ये देखिए ये लग गया आराम से, सेट हो गया बैटरी, मोटर्स भी सेट है। अब इसके ऊपर लगाना है हम लोगों को साइड में ये ब्लेड को बचाने के लिए। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये उड़ेगा तो ज़रूर, लेकिन ये ब्लेड को बचाएगा नहीं, कहीं टकरा जाएगा और उससे ब्लेड टूट सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसको इस तरह से ये गार्ड को लगा देते हैं, और इसको इतना हल्का बनाया गया है कि ये अच्छे से उड़ लेता है। अगर इसको भारी कर दिया जाएगा तो ये उड़ नहीं पाएगा, बैटरी भी अगर ज़्यादा लगा दिया है तो वो भी उड़ नहीं पाएगा, इसलिए बैटरी बैकअप भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये उड़ता है, खेलने में इसके खेलने के लिए अच्छा है ये। तो ये देखिए इसको गार्ड को हम लोग लगा देते हैं साइड के, प्रोपेलर गार्ड को, देखिए प्रोपेलर गार्ड लग गया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग, और देखिए टेप दिया हुआ है, लेकिन टेप हम लोग अभी नहीं लगा रहे, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद टेप से चिपका देना चाहिए, नहीं तो फिर जायरो ठीक से काम नहीं करेगा। ये बैटरी उस रिमोट का है, देखिए इसके रिमोट का है, उसके असेंबली में बाद में बताऊंगा। तो ये देखिए ये किट है, इसमें जायरो, मोटर ड्राइवर और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पकड़ने के लिए भी इसमें कंट्रोलर सब कुछ लगा हुआ है एक ही किट में, कॉम्बो है, अच्छा है, छोटा है। देखिए इस मोटर्स को लगा देना है, वाइट वाला और रेड वाला जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से देख के लगाना है। वाइट वाला वायर वाइट वाले जैक में जाएगा, और रेड और ब्लू वाला वायर रेड में जाएगा, जिससे कि उसके एक्सेस कंट्रोल होती है। उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं ठीक से, उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक ब्लेड जो है वो दूसरे डायरेक्शन में घूमता है, एक ब्लेड दूसरे डायरेक्शन में। तो ये देखिए लग गया, इसको हम लोग अगर ऑन करके देखते हैं, अभी नहीं करेंगे, ब्लेड लगा लेते हैं उसके बाद ऑन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ए और बी ब्लेड है इसमें, ए ब्लेड और बी ब्लेड, ठीक है। एक में किसको लगाना है, बी में किसको लगाना है, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ए वाला को लगाना है, उसमें लिखा हुआ है किस तरह से लगाना है, रेड वाला में ए को लगाना है, ठीक है। देखिए इसमें ए लिखा हुआ है ब्लेड में, इसका जो डायरेक्शन है थोड़ा अलग रहता है ये ब्लेड का, इसीलिए सब ब्लेड बराबर नहीं है, इसका डायगोनली ब्लेड अलग अलग है उसका, एक दूसरे तरीके से है, एक दूसरे तरीके से। देखिए ये है बी वाला, बी वाला उसके बगल में लगेगा, इसको आराम से लगाइए, प्रेशर मत दीजिएगा नहीं तो फिर टूट जाएगा। उसके बाद है ये फिर से ए, ए वाला ब्लेड इसको लगाना है, सॉरी बी है इसलिए साइड लगाना है। इस तरह से देख के आप लगा लें, इंस्ट्रक्शन पढ़े ज़रूर, नहीं तो फिर आपका ये उड़ेगा नहीं, मेहनत भी बेकार हो जाएगा, और हो सकता है कि पटका का टूट भी जाए इसका ब्लेड। ऐसे तो बॉडी टूटता नहीं है क्योंकि इसका बॉडी जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए इस तरह चार्जर है इसका, इसमें लगा कर किसी भी आप नॉर्मल यूएसबी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको बाद में आप यूज़ करेंगे, और उसमें इंडिकेटर भी है, फुल होने के बाद वो बंद हो जाता है उसका इंडिकेटर। देखिए ये चालू हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है इसका लाइट। इसमें देखिए रेड और ब्लू जो दिख रहा था आपको डायरेक्शन के हिसाब से, इसमें देखिए ये जो है रिमोट से इसको ऑन करके देखेंगे, रिमोट को ये कनेक्ट करने के लिए उसमें कुछ ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इसको ऊपर करने पर ये एक्टिवेट हो जाता है, नीचे करने पर ये ऑन हो जाता है, कनेक्ट करने का ये सिस्टम है इसका, फीडबैक मिलता है उसको तो वो कनेक्ट होता है। तो ये ऐसे देखिए फिर से इसको ऑन करके दिखाता हूँ, इस तरीके से ये ऑन हो रहा है, और इसको हम लोग अब उड़ाकर देखेंगे। देखिए इसके उड़ाने का ट्यूटोरियल मैं एक दूसरे वीडियो में दूंगा, फिलहाल इसको उड़ते हुए देख लीजिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है इसमें। देखिए ये फ्लिप भी करता है, इसमें एक ऑप्शन है रिमोट में इसका, वो क्लिक करने पर वो फ्लिप करता है, और इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ सब पढ़ सकते हैं आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको रिमोट को असेंबल करने के लिए बताऊंगा।
तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।